मैंने बहराम को पकड़ लिया था, उसने तो सरेंडर कर दिया था, लेकिन किसी ने पीछे से मेरे सर में कुछ मारा। ले जाओ इन दोनों को। चलवाओ मेरे साथ। मैं आयशा गुल की बात कर रहा हूँ। क्या पता तुम्हारे साथ थी। भाग गई वो, उसे जल्दी पकड़ो प्लीज। बहराम को पता चल गया है सर। कहाँ है वो? वो इस वक्त सीरिया की एम्बेसी में है। मेरी बात सुनो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी बताओ उस चीफ ने वेपन्स कहाँ रखे हैं और जान छुड़वाओ अपनी। यहाँ पर इस कदर खतरनाक लोग रहते हैं जो तुमने पहले कभी नहीं देखे होंगे। मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे बस अपने वेपन्स चाहिए, हम वेपन्स लेकर आएंगे। अच्छा ठीक है, मुझे कुछ वक्त दो। हमारी मदद फरमाइए, इस कदर से हम लोग अल्लाह मदद फरमाइए। आप मुझे नहीं छोड़ के जा सकते छोटे अम्मी। जवाब दो मुझे, तुम्हें मुझसे कुलसुम ने बचाया था ना? हाँ, उसी ने बचाया था। तुम्हें कुछ बताया था उसने? घटिया इंसान, जल्दी बोलो क्या कहा था उसने? नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। ठीक है बस करो। देखो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, सारी गोलियां तुम्हारे सर में उतार दूंगा, जल्दी बोलो। हाँ हाँ ठीक है, मार डालो तुम इसे, उसके बाद ना हमें आयशा गुल मिलेगी और ना ही वो वेपन्स। सेबू अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। ओ भाई क्या कर रहे हो तुम, यहीं पर इसे सब कुछ पूछोगे? ये जगह ठीक नहीं, चलो यहाँ से। और जो लोग अंदर है उनका क्या करेंगे? उन्होंने देख लिया मुझे। बहराम हमारे पास है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी हुआ तो देखा जाएगा। वैसे भी कैमरे में कोई फुटेज नहीं आएगी, सारा सिस्टम बेकार हो चुका है। तो फिर ठीक है जल्दी निकलो यहाँ से। ये तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे, इसका हिसाब देना पड़ेगा। अपना मुंह बंद करो, मेरी बात सुनो, हम लोग मुसीबतों से नहीं डरते, चलो अब। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे? हमें अच्छा सा नाश्ता देंगे, उसके बाद जो भी करना होगा कर लेंगे। कुछ पूछना है तुमसे। पूछो। फायशा गुल कौन है? हमारी ऑफिसर है। लेकिन मुझे तो कुछ और ही लग रही है वो। कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब साफ है कि वो तुम्हारे लिए एक ऑफिसर से ज्यादा बढ़कर है। वैसे तुम कैसे जानती हो? क्योंकि सोते हुए भी तुम आयशा गुल का ही नाम ले रहे थे। एक तरफ तुम ब्लास्ट की बात करते हो और दूसरी तरफ आयशा गुल की। खैर अब इस मसले को छोड़ो और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता बताओ। सारी रात मैंने सोकर नहीं गुजारी आकिफ। आयशा गुल का कुछ पता चला क्या? हर जगह देखा मगर हमें वो लड़की कहीं नहीं मिली। मुझे आयशा गुल ही चाहिए, बर्बाद हो गया हूं उसकी वजह से मैं। ठीक है हम दोबारा कोशिश कर लेते हैं, लेकिन आज शाम तक। सुनो खाना कहाँ ले जा रहे हो? उन दोनों के पास। यहाँ आओ जरा, मेरी बात सुनो। ये आकिफ को दे दो, अब तुम जा सकते हो। तुम्हारी आयशा गुल किसी और से प्यार करती है क्या? नहीं, वो सिर्फ मेरी है। समझ जाएगी मगर थोड़ा वक्त लगेगा उसे। समझ गए। चलो जल्दी खोलो, जल्दी जल्दी। ठीक है बस खुलने ही वाला है। चलो जल्दी से खोलो, कोई आ जाएगा, जल्दी करो जल्दी। ठीक है हो गया।
भूख लगी है क्या? खाना खाओगे? आकिफ, तुम्हारे लिए ये खास है। ये क्या हो रहा है? चलकर देखते हैं कि क्या मामला है। ये जरूर आकिफ का काम है। ओ, तो तुम लोग यहाँ हो? अकेले अकेले पार्टी कर रहे थे? तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया तो मैं खुद ही आ गया। छोड़ना मत किसी को। सब लोग गोलियां चलाओ, गोलियां चलाओ। वरना कोई मसला हो जाएगा। ये लो पिस्टल। क्या सोच रही हो तुम? नहीं, कुछ नहीं सोच रही, बस हमें निकलना चाहिए। चलो आ। हाँ, चलते चलो यहाँ से। अभी आयशा गुल और बॉम्ब को भी ढूंढना है। बचना नहीं चाहिए, सबको मार दो। बिला वजह चीखे जा रहा था। चुपचाप उठ जाओ वरना मेरे हाथों से मारे जाओगे। देखो, फार मत करना। ओ चीफ साहब, आप तो डर रहे हैं। आ जाओ। हाँ, इधर। हाँ, चुपचाप चलते आओ मेरे पास। देखो, जो तुम चाहते हो मैं वही करूंगा। प्लीज गोली मत चलाना। वो सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ हमारे वेपन्स कहाँ छुपा रखे हैं। वहां ट्रक में है, तुम देख सकते हो। ठीक है, चलो चलकर देखते ठीक हैं। ठीक है। देखो, मैं पहले ही कह चुका हूं, जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। बस हमारे दरमियान थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है। मैंने जो पैसा लिया है वैसे भी निषाद के लिए लिया है। अच्छा, कोई आखिरी ख्वाहिश तुम्हारी?
मैं एक दफा निशात से मिलना चाहता हूँ। मैं मिल चुका हूँ उनसे, तुम्हारे लिए उन्होंने सलाम भेजा। हाँ एक बात और, आयशा गुल की तुम फिक्र मत करना, उससे भी मैं बॉम्ब के साथ उड़ा दूंगा। तुम्हारे जाने के कुछ घंटे बाद ही वो आ जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं दो प्यार करने वालों को अलग नहीं करते। खुदा के लिए आयशा गुल को छोड़ दो, आयशा गुल को छोड़ दो। हाँ कह तो रहा हूं उसे नहीं छोड़ूंगा, वो तुम्हें चाहती भी नहीं और तुम हो के आयशा गुल कहकर उसके पीछे पड़े हो। हमें वेपन मिल गए हैं, ठीक है चलो यहां से जल्दी निकलो। बाय बाय। ठीक है, हे सारे वेपन्स सही सलामत है। चलो सब लोग यहां से चलो। चीफ ये मर चुका है, चलो यहां से। पागल शख्स, बेवकूफ कहीं का, जिन्हें तो समझता था उन्होंने मरवा दिया। किसे कॉल कर रहे हो? अपने दोस्तों को कॉल कर रहा हूं ताकि वो पता लगा सके कि ब्लास्ट कहां पर होना है। वो कैसे? किसी शख्स से ही पूछेंगे ना, और यकीनन उस शख्स को वो पहले ढूंढेंगे। दोस्तों मैंने इसे रात भर मारा है, मगर यह है कि कुछ बोलता ही नहीं। देखो हो सकता है ये कुछ ना जानता हो, तुम लोग इसे ऐसे ही ना मार डालना। ये जानता है, सब कुछ अच्छी तरह जानता है, बस बता नहीं रहा। क्या करें भाइयों, इसका मुंह खुलवाना बहुत जरूरी है। ये सब बताएगा इंशाल्लाह। हेलो सेबू, सेबू मैं आकिफ। आकिफ तुम ठीक हो ना मेरे भाई? सेबू वो लोग यहाँ ब्लास्ट करने वाले हैं, यहाँ खून की नदियाँ बह जाएंगी। क्या उस शख्स को तुमने ढूंढ लिया है? ढूंढ लिया है मगर वो कुछ बता नहीं रहा। किस किस्म के लोग हो तुम, एक आदमी का मुंह नहीं खुलवा सके? यहाँ हजारों लोगों की जिंदगियां खतरे में है और आयशा गुल भी उन लोगों के पास है। ठीक है तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम फिक्र ना करो, हम रास्ता निकालते हैं। सेबू मेरी बात सुनो, तुम्हें इस शख्स से एक एक बात जल्दी पता करनी होगी। जल्दी करो मेरे भाई, बहुत से लोगों की जान खतरे में है, प्लीज कुछ करो। ठीक है आकिफ तुम फिक्र ना करो, मैं 5 मिनट बाद इस नंबर पर कॉल करता हूँ। तुम्हें अभी के अभी सब कुछ बताना होगा। देखो इंसानों की तरह बता दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जल्दी बताओ उन लोगों ने कहाँ ब्लास्ट करना है, मुझे सब बताओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। बोलो कहाँ ब्लास्ट करना है? जो चाहे कर लो, मैं एक लफ्ज नहीं बताऊंगा। बात है क्या? तुम सबर करो, अभी भी कह रहे हैं मैं कुछ नहीं बताऊंगा कि मिट्टी का बना है ये। देखो मुझे मजबूर मत करो वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। जल्दी बताओ मुझे, तुम्हें बताना पड़ेगा। खुदा के लिए ऐसा मत करो। क्या कहा? भाइयों लगता है पाशा इसे बुलवा कर ही रहेगा। अब जल्दी बताओ। रुको बताता हूँ बताता हूँ। खुदा के लिए मेरे हाथ पैर खोल लो। क्या पाशा ये कोई मसला तो नहीं करेगा? कुछ देर पहले कैसी बातें कर रहा था और अब देखो जरा। मेरी बात सुनो भाई, इसका ध्यान रखना, ये कुछ भी कर सकता है। कम से कम बच्चों को ही छोड़ दो। पागलो जैसी बातें मत करो आयशा गुल, अगर मैं इन सबको छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? मरना तो इनको फिर भी पड़ेगा।
तो फिर बांधा क्यों हुआ है हमें? क्योंकि तुम सब एक साथ मरोगे। तुम यहाँ से कैसे भागोगे? तुम मेरी फिक्र मत करो आयशा गुल, मैं तो यहाँ से हेलीकॉप्टर में बैठकर चला जाऊंगा। कितने मिनट सेट करूं? 15 मिनट। थोड़ी देर में तुम लोग ऊपर पहुंच जाओगे और ऊपर जाकर चीफ को मेरा सलाम देना। बम तैयार है, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये एक्टिवेट हो चुका है। सबको बांध दिया है ना? हाँ बिल्कुल। तो हम लोग चलते हैं और तुम मौत का मजा चखो। याद आया, यहाँ पर अपना कोई आदमी छोड़। तुम उसकी फिक्र मत करो, 2-3 लोग यहाँ पर तैनात रहेंगे। ये सही है। चलो भाई जल्दी से बता भी दो, हमें और भी काम करने हैं। मुझे बहुत प्यास लगी है, पहले मुझे पानी पिला दो। ये पियो। आकिफ वो बता रहा है, अभी पता चल जाएगा। सेबू प्लीज जल्दी पूछो, उससे पूछो कि वो लोग ब्लास्ट कहाँ करने वाले हैं। क्या हुआ? वो शख्स बताने लगा है। जल्दी से बताओ। आकिफ, चल आकिफ, हमारा भाई वहां मुसीबत में फंसा हुआ है, वो इंतजार कर रहा है। जल्दी बताओ घटिया इंसान, अगर अब तुमने ना बताया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। बोलो। क्या तुम्हें हमारी बातों की समझ नहीं आती? कितनी देर से हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुम बोल सको क्यों नहीं? हाँ। मेरी बात सुनो, हथियार फेंक दो नीचे। देखो मेरे करीब मत आना, तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। दूर रहो मुझसे। सेबू आवाज क्यों नहीं आ रही? सेबू, तुम लोग क्या समझे थे कि मैं तुम लोगों को ये सब कुछ आसानी से बता दूंगा? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी मेरे करीब ना आए वरना मैं गोली चला दूंगा। एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी कर लो यहाँ से जा नहीं सकते। मेरी बात सुनो, तुम्हें हमसे कोई भी नहीं बचा सकता, बेहतर यही होगा कि हथियार फेंक दो। तू रहो मुझसे, ये राज मेरे साथ ही दफन हो जाएगा, तुम लोगों के हाथ कुछ नहीं आएगा। रुक जाओ, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। मेरी बात सुनो, गोली मत चलाना, रिलैक्स हो जाओ। सेबू, क्या हुआ? सेबू तुमने उसे मार दिया। सेबू, भाई उसे हमने नहीं मारा, उसने खुद ही अपने आप को मार लिया। क्या? उसने अपनी जान खुद ले ली। अल्लाह बर्बाद करे, आखिर उसने खुदकुशी कर ली। सुनो, हम कुछ सोचते हैं, तुम रिलैक्स तो हो जाओ। नहीं हो सकता। तुम कब से यहाँ हो? मैं यहाँ 3 महीने से हूँ। देखो तुम उन्हें ढूंढ सकती हो, वो लोग ब्लास्ट सबसे ज्यादा रश वाले एरिया में करेंगे, अपने सहन पर जोर डालो। आखिर कौन सा एरिया है वो? हर जगह ही रश होता है, मैं वो इलाका नहीं ढूंढ सकती। कैसे नहीं ढूंढ सकती? कैसे नहीं ढूंढ सकती? आखिर क्यों? देखो आकिफ, अगर यूं ही बहस करते रहे तो हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। आकिफ जल्दी करो, चलो मेरे साथ। कोई तो रास्ता होगा, जरूर कोई रास्ता होगा। नहीं है, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इस वक्त जान बचाना जरूरी है। तुम जाओ, आयशा गुल यहाँ है और मैं भी यहीं पर हूँ। ठीक है, रहो यहाँ ही तुम और आयशा गुल भी।
यहां पर हो तुम आयशा गुल। कहां ढूंढूं? या अल्लाह मेरे सभी गुनाह माफ कर देना, हमें बख्श देना, हमारे गुनाह माफ फरमा देना। आकिफ कहाँ हो तुम? प्लीज यहाँ आ जाओ, प्लीज आ जाओ। आकिफ जल्दी आ जाओ, आकिफ लेकर कहां गए हैं? वहां एक बड़ा सा स्टैचू है और उसी के पीछे एक खाली बिल्डिंग है, वहां ब्लास्ट होगा। तुम उसे रोक सकते हो, देर मत करो। दो गलियां छोड़कर वो जगह करीब है क्या? हाँ बिल्कुल, गली के एंड पर। तुम वहां पहुंचकर सीढ़ियां चढ़ जाना, जल्दी जाओ, वक्त कम है। जल्दी पहुंचो वहां पर आके, जल्दी जाओ जाओ आकिफ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आकिफ जाओ, आयशा गुल को बचा लो, जाओ आकिफ। Ya Allah, tumhari madad kar। حسبنا الله ونعم الوكيل। سبحان الله الله اكبر। Oh,
या अल्लाह मेरे सभी गुनाह माफ कर देना, हमें बख्श देना, हमारे गुनाह माफ फरमा देना, इन मासूम लोगों को इस जुल्म से बचा लेना। आयशा गुल, मैं जानती थी तुम आओगे। क्या कर रहे हो तुम? वैसे भी ब्लास्ट होना ही है, एक कोशिश तो करने दो मुझे। क्या तुम जानते भी हो ये सब? मैं नहीं जानता। दिल तो कर रहा है कि मैं झूमूं, लेकिन मैं इस वक्त बंधी हुई हूँ। मेरे बस में हो तो तुम्हें अभी खोल दूं, लेकिन क्या करूं, हाथ कांप रहे हैं। तुम्हारी इजाजत हो तो थोड़ा सांस ले लूं। ब्लास्ट नहीं हुआ। ब्लास्ट क्यों नहीं हुआ मैं जानता हूं, ये जरूर उन लोगों का काम होगा, मुझे यकीन है। चलो मेरे साथ। हमें बचाने का शुक्रिया। मेरे लिए तो ये बहुत आसान था। चलो जल्दी सबको खोलो, हमें यहाँ से निकलना है, हमारे आसपास बहुत से दुश्मन हैं। जल्दी। ठीक है। साथ आओ, कोई चलाकी मत करना वरना सबको मार दूंगा। बहुत शुक्रिया। मुबारक हो, हम सब बच गए। शुक्रिया तुम्हारा, हम लोग बच गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम बच गए। आयशा गुल, सब लोग नीचे आओ, जल्दी करो। इधर आ जाओ। आयशा गुल, बहुत ध्यान से हम तो फंस गए हैं यहाँ। तुम फिक्र ना करो आयशा गुल, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तुम मेरे साथ आओ और तुम लोग मार दो उनको। मुझे दो।
मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। लेकिन कहाँ आकिफ? बाहर आदमी है आयशा गुल। नहीं प्लीज मत जाओ। मैं उन्हें संभालता हूँ, तुम इन लोगों को पीछे से लेके निकलो। ये तो मर गया। इंतजार कीजिए। ठीक है। मेरी बात सुनो, हम सब लोग एक साथ निकलेंगे और भागते हुए निकलेंगे। ठीक है, हम समझ गए हैं। आप लोग डरिए मत, ठीक है ना? गन फेंक दो, फेंको गन। आंखें खोलो, पीछे हो जाओ। सुना नहीं तुमने? हाथ ऊपर उठाओ। मेरे साथ आओ, कोई चालाकी मत करना वरना सबको मार दूंगा। लड़की मेरे पास है, सुना तुमने? लड़की मेरे पास है। कहां पे हो तुम? सामने आओ वरना इसको मार दूंगा। तुमने सुना नहीं? सामने आओ वरना मार दूंगा इसे। जल्दी करो। कहां छिपे हो? मेरे सामने आओ। चलो अभी जाओ, जल्दी सामने आओ। तुम ठीक हो? संभालो इसे बेटा, हौसला करो। आप सब ठीक हैं? हम कब यहां से निकलेंगे? एक दफा तो लगा कि सब खत्म हो गया। चलो हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी। क्या हुआ? इन सब का क्या होगा? सब्र दे, हौसला रखो। आयशा गुल, हमारे पास टाइम नहीं है। इन लोगों को यहाँ नहीं छोड़ सकते, वो सबको मार देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इन सबको भी किसी महफूज जगह पर ले चलते हैं। और बॉम्ब का क्या होगा? उसे भी नहीं छोड़ सकते। अल्लाह गारत करे, तुमने ठीक कहा। क्योंकि अगर छोड़ दिया तो फिर से ब्लास्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन बॉम्ब को कहाँ लेकर जाएं? पता नहीं। ठीक है, मिल गया। हम ये ट्रक किसी अपनी यूनिट को दे देंगे, वो उसे किसी महफूज जगह पर पहुंचा देंगे।
सेबू को कॉल करके सब कुछ क्लियर करवाते हैं। मैंने बहराम को पकड़ लिया था, उसने तो सरेंडर कर दिया था, लेकिन किसी ने पीछे से मेरे सर में कुछ मारा। ले जाओ इन दोनों को। चलवाओ मेरे साथ। मैं आयशा गुल की बात कर रहा हूँ। क्या पता तुम्हारे साथ थी। भाग गई वो, उसे जल्दी पकड़ो प्लीज। बहराम को पता चल गया है सर। कहाँ है वो? वो इस वक्त सीरिया की बेसिन है। मेरी बात सुनो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी बताओ उस चीफ ने वेपन्स कहाँ रखे हैं और जान छुड़वाओ अपनी। यहाँ पर इस कदर खतरनाक लोग रहते हैं जो तुमने पहले कभी नहीं देखे होंगे। मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे बस अपने वेपन्स चाहिए। हम वेपन्स लेकर आएंगे। अच्छा ठीक है, मुझे कुछ वक्त दो। अल्लाह हमारी मदद आप मुझे नहीं छोड़ के जा सकते छोटे अम्मी। जवाब दो मुझे, तुम्हें मुझसे कुलसुम ने बचाया था ना? हाँ, उसी ने बचाया था। तुम्हें कुछ बताया था उसने? घटिया इंसान, जल्दी बोलो क्या कहा था उसने? नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। ठीक है बस करो। देखो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, सारी गोलियां तुम्हारे सर में उतार दूंगा, जल्दी बोलो। हाँ हाँ ठीक है, मार डालो तुम इसे, उसके बाद ना हमें आयशा गुल मिलेगी और ना ही वो वेपन्स। सेबू अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। ओ भाई क्या कर रहे हो तुम, यहीं पर इसे सब कुछ पूछोगे? ये जगह ठीक नहीं, चलो यहाँ से। और जो लोग अंदर है उनका क्या करेंगे? उन्होंने देख लिया मुझे। बहराम हमारे पास है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी हुआ तो देखा जाएगा। वैसे भी कैमरे में कोई फुटेज नहीं आएगी, सारा सिस्टम बेकार हो चुका है। तो फिर ठीक है जल्दी निकलो यहाँ से। ये तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे, इसका हिसाब देना पड़ेगा। अपना मुंह बंद करो, मेरी बात सुनो, हम लोग मुसीबतों से नहीं डरते, चलो अब। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे? हमें अच्छा सा नाश्ता देंगे, उसके बाद जो भी करना होगा कर लेंगे। कुछ पूछना है तुमसे। पूछो। फायशा गुल कौन है? हमारी ऑफिसर है। लेकिन मुझे तो कुछ और ही लग रही है वो। कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब साफ है कि वो तुम्हारे लिए एक ऑफिसर से ज्यादा बढ़कर है। वैसे तुम कैसे जानती हो? क्योंकि सोते हुए भी तुम आयशा गुल का ही नाम ले रहे थे। एक तरफ तुम ब्लास्ट की बात करते हो और दूसरी तरफ आयशा गुल की। खैर अब इस मसले को छोड़ो और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता बताओ। सारी रात मैंने सोकर नहीं गुजारी आकिफ। आयशा गुल का कुछ पता चला क्या? हर जगह देखा मगर हमें वो लड़की कहीं नहीं मिली। मुझे आयशा गुल ही चाहिए, बर्बाद हो गया हूं उसकी वजह से मैं। ठीक है हम दोबारा कोशिश कर लेते हैं, लेकिन आज शाम तक। सुनो खाना कहाँ ले जा रहे हो? उन दोनों के पास। यहां हो जरा, मेरी बात सुनो। आकिफ को देना, अब तुम जा सकते हो। तुम्हारी आयशा गुल किसी और से प्यार करती है क्या? नहीं,
वो सिर्फ मेरी है, समझ जाएगी, मगर थोड़ा वक्त लगेगा उसे। समझ गए? चलो जल्दी खोलो, जल्दी जल्दी। ठीक है बस खुलने ही वाला है। चलो जल्दी से खोलो, कोई आ जाएगा, जल्दी करो जल्दी। ठीक है, हो गया। भूख लगी है क्या? खाना खाओगे? आकिफ, तुम्हारे लिए ये खास है। ये क्या हो रहा है? चलकर देखते हैं कि क्या मामला है। ये जरूर आकिफ का काम है। ओ, तो तुम लोग यहाँ हो? अकेले अकेले पार्टी कर रहे थे? तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया तो मैं खुद ही आ गया। छोड़ना मत किसी को। सब लोग गोलियां चलाओ, गोलियां चलाओ। कोई मसला हो जाएगा। ये लो पिस्टल। क्या सोच रही हो तुम? नहीं, कुछ नहीं सोच रही, बस हमें निकलना चाहिए। चलो आ। हाँ, चलते चलो यहाँ से। अभी आयशा गुल और बॉम्ब को भी ढूंढना है। बचना नहीं चाहिए, सबको मार दो। बिला वजह चीखे जा रहा था। चुपचाप उठ जाओ वरना मेरे हाथों से मारे जाओगे। देखो, फायर मत करना। ओ चीफ साहब, आप तो डर रहे हैं। आजा। हाँ, इधर। हाँ,
चुपचाप चलते आओ मेरे पास। देखो जो तुम चाहते हो मैं वही करूंगा। प्लीज गोली मत चलाना। वो सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ हमारे वेपन्स कहाँ छुपा रखे हैं? वहां ट्रक में है, तुम देख सकते हो। ठीक है, चलो चलकर देखते हैं। ठीक है, ठीक है। देखो मैं पहले ही कह चुका हूँ, जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। बस हमारे दरमियान थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है। मैंने जो पैसा लिया है वैसे भी निषाद के लिए लिया है। अच्छा, कोई आखिरी ख्वाहिश तुम्हारी? मैं एक दफा निषाद से मिलना चाहता हूँ। मैं मिल चुका हूँ उनसे। तुम्हारे लिए उन्होंने सलाम भेजा। हाँ, एक बात और, आयशा गुल की तुम फिक्र मत करना।